मेक्सिको में मौजूद शरणार्थियों की मुश्किलें कब कम होंगी, उनकी जिंदगी पटरी पर कब लौटेगी, ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से तिजुआना में मौजूद शरणार्थियों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं उससे तो यही लगता है। यही वजह है कि शरणार्थी अमेरिका में शरण पाने का अब इंतजार नहीं करना चाहते। जरा इन तस्वीरों को देखिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि अमेरिका में घुसने के लिए शरणार्थी कोई भी रास्ता अपना रहे हैं, वो भी तब जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने अवैध ढंग से अमेरिका में घुसने वालों को साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है और अपने सुरक्षा कर्मियों से ऐसे अवैध शरणार्थियों से सख्ती से निपटने का आदेश भी दिया है। इसके बावजूद कुछ शरणार्थी अमेरिका में अवैध ढंग से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि अमेरिका में घुसने का इनका प्रयास अधूरा रह गया और बॉर्डर के उस पार मौजूद अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें धर दबोचा। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कुछ शरणार्थी अमेरिका में अवैध ढंग से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले भी ऐसे कई लोगों को अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने पकड़ा है। दरअसल मेक्सिको के तिजुआना में मौजूद हजारों शरणार्थियों के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। उन्हें रहने और खाने जैसे बेसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ मौजूद ज्यादातर शरणार्थी तंबुओं में जीवन बिताने को मजबूर हैं, तो खाने पीने की चीजों के लिए उन्हें सामाजिक संगठनों पर निर्भर होना पड़ रहा है। अप्रवासियों का आरोप है कि अधिकारियों के तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। इतना ही नहीं, मेडिकल जैसी सुविधाओं से भी वो वंचित हैं। इन्हीं वजहों से कैंप में संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है, जिसकी वजह से कुछ शरणार्थी जीवन को खतरे में डालकर सीमा पार करने की भी कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि अमेरिका हर रोज केवल 100 शरणार्थियों को ही प्रवेश दे रहा है, जबकि हजारों प्रवासी पहले से ही सीमा पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में कैंपों में मौजूद अप्रवासियों का नंबर कब आएगा, ये कहना बहुत कठिन है। यही वजह है कि कुछ शरणार्थी अवैध ढंग से भी अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।